हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीडी के बायोवर्ल्ड। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गई हूँ। अभी समर है तो समर हॉलीडेज में बहुत सारा प्लान कर दिए होंगे, कोई समर वोकेशनल कैंप्स ज्वाइन कर दिए होंगे, सो कोई समर कैंप्स ज्वाइन किए हैं, तो कोई आर्ट्स क्लासेस, कोई म्यूजिक, कोई डांस, बहुत सारा आप लोग प्रोग्राम्स प्लान कर दिए होंगे। और साथ ही साथ आप लोग अपना टाइम टेबल्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे, जहां पे आप लोग अपना समर हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे। साथ ही साथ बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा टीवी, मोबाइल और गेम्स, बहुत सारा मस्ती मजा कर रहे होंगे। और जितना भी आप लोग मस्ती मजा करने चाहते हैं, तो सुबह में आप लोग बाहर निकलते हैं और शाम में आप लोग बाहर निकलते हैं, और बीच का जो टाइम गैप है तो उसको भी अगर आप लोग केयरफुल्ली यूटिलाइज करेंगे और पेरेंट्स स्पेशली इसके ऊपर ध्यान देंगे, तो स्टूडेंट्स का या अपने बच्चों का या अपने खुद, अगर स्टूडेंट्स है तो अपने खुद का पर्सनालिटी को बहुत एनलाइट कर सकते हैं, स्पेशली ये समर हॉलीडेज में, वो भी मजा के साथ और मस्ती के साथ। तो ये कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहला टिप हम देना चाहते हैं कि इस समर हॉलीडेज के लिए आप सब कोई पंचतंत्रा बुक फॉलो करना शुरू कर लीजिएगा। आप लोग ने सही सुना है, यस, आई एम एडवाइजिंग यू टू बाय ए पंचतंत्रा बुक फॉर योर किड्स। और एल्स अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने खुद से एक पंचतंत्रा बुक जरूर खरीद लीजिएगा। हम पंचतंत्रा बुक बोल तो रहे हैं, तो इसके बारे में पहले हम लोग कुछ डिटेल्स जानकारी करेंगे, उसके बाद वीडियो एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि पंचतंत्रा बुक पढ़ना क्यों है। पंचतंत्रा बुक एक शॉर्ट स्टोरीज बुक है या शॉर्ट फेबल्स का बुक है, जहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा स्टोरीज खूबसूरती के साथ पेश किया गया है, जहाँ पे छोटा छोटा एनिमल्स को कैरेक्टर्स बनाया गया है, साथ ही साथ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में इंटरेक्शन को भी बहुत अच्छा से दिखाई दिया गया है। और हर कहानी बहुत शॉर्ट है और एंड होता है एक नया मोरल के साथ, यानी कोई ना कोई नीति आप लोगों को जरूर मिलेगा। और एक कहानी में कभी कभी एक से ज्यादा मोरल्स भी रहेगा जब आप लोग उसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। पंचतंत्रा मीन्स बाय द हेडिंग फाइव तंत्रास, यानी पांच खंडेक्स। दिस इज अ बुक अबाउट फाइव खंडेक्स दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग शुड फॉलो इन देयर लाइफ टाइम, यानी ये पांच तंत्रों के बारे में है जो अक्सर जो हर कोई फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करते करते अगर इसका ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग हर एक सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। पंचतंत्र वॉज रिटन इन लेट 200 BCE बाय ए सेज कॉल्ड विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र को लिखे हैं अराउंड 200 BCE का टाइम में। इसका एक छोटा सा कहानी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्यों पंचतंत्र का कहानियां लिखा गया है। अमर शक्ति बोल के एक राजा थे जिनका तीन बच्चा थे, यानी ही हैड थ्री प्रिंसेस, और तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा डल थे, यानी वो लोगों को यानी राजतंत्र पता था, यानी लोकतंत्र पता था, कुछ नहीं पता था। और कितना भी सिखाने का कोशिश किया गया है, वो लोग बिल्कुल सीखने के लिए तैयार भी नहीं था। तो अमर शक्ति बहुत ही काफी परेशान था कि अपने बच्चों को किस तरह से वो एजुकेट कर दे ताकि वो लोग पूरा राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाए। तो अपने मिनिस्टर्स के साथ बहुत सारा चर्चा करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि सेजेस को बुलाया जाए और पूछ लिया जाए कि कौन उनके तीनों प्रिंसेस जो है उनको एजुकेट कर पाते हैं और उन लोगों को एलिजिबल बना पाते हैं। तब विष्णु शर्मा ने एक्सेप्ट किया है एक अनोखे चैलेंज, जहां पे उन्होंने चैलेंज किया है कि ये तीन जो बहुत ही काफी डलर्स थे, बहुत ही काफी लेजी थे, इन लोगों को उन्होंने कहा है कि एजुकेट कर लेंगे पूरा 6 महीनों के अंदर। तो ये सुनने के बाद अमर शक्ति ने बहुत खुश हो गए हैं और तीनों प्रिंसेस को विष्णु शर्मा के साथ भेज दिया गया है गुरुकुल। और ये 6 महीना में विष्णु शर्मा ने एक बहुत ही अनोखे और अद्भुत रचना किया है, वही है पंचतंत्रा, जो पांच भागों में बटा गया है। ये पांच बुक्स में भी बाहर अवेलेबल रहेगा, ये पांच भागों में भी बटा गया है, जो बहुत ही अच्छे और जरूरी पांच तंत्रों के बारे में डील करेगा। इसका पहला भाग जो है मित्र भेदा है। मित्र भेदा डील्स अबाउट लॉस ऑफ फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स का लॉस के बारे में ये डील करेगा। और इसमें एक मेन कहानी है और साथ ही साथ उस कहानी से रिलेटेड या डिपेंडेंट 30 शॉर्ट स्टोरीज या शॉर्ट फेबल्स है, यानी इसमें आप लोगों को एक मेन कहानी के साथ साथ 30 छोटे छोटे कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही उसके बाद सेकेंड पार्ट है मित्र लाभा।
मित्र लाभा डील्स अबाउट विनिंग ऑफ द फ्रेंड, पहले पार्ट लॉस ऑफ द फ्रेंड्स के बारे में डील किया है, तो दूसरे पार्ट विनिंग ऑफ द फ्रेंड्स के बारे में डील किया है, जिसमें 10 शॉर्ट फेबल्स यानी 10 शॉर्ट स्टोरीज और फेबल्स दिया गया है। थर्ड पार्ट है काकोलिकियम, काकोलिकियम में क्रोज एंड ऑल्स को मेन कैरेक्टर्स बना के डिस्क्राइब किया गया है वॉर एंड पीस का टेक्निक्स, यानी इसमें राजतंत्र का भी टेक्निक्स है और राज में सुख शांति से कैसे सुख शांति को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में डील किया गया है, यानी वॉर एंड पीस के बारे में डील किया गया है 18 शॉर्ट स्टोरीज यानी 18 शॉर्ट स्टोरीज या फेबल्स के द्वारा। फोर्थ पार्ट है लब्ध प्रणासम, लब्ध प्रणासम इज लॉस ऑफ गेन्स, यानी जो हम लोग लेते हैं गेन जो हम लोग को आता है उसका लॉस, इसके बारे में इसमें लॉस के बारे में दिखाया गया है अंडर 13 शॉर्ट स्टोरीज और फेबल्स। और सबसे आखिरी और पांचवें पार्ट है अपरिक्षिता कारकम, इसमें हेस्टी एक्शंस के बारे में, इल कंसिडर्ड एक्शंस जो हम लोग हमेशा अक्सर कमिट करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है अंडर 12 शॉर्ट स्टोरीज और 12 शॉर्ट फेबल्स यानी 12 टोटल। पंचतंत्र इज अबाउट 84 शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट फेबल्स, जिसमें बहुत सारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। बहुत कोई पंचतंत्र के बारे में सुने ही होंगे, जहां पे हम लोग इसको बेड टाइम स्टोरीज जैसा यूज करते हैं, यानी अगर बच्चों को अच्छा से सुनाना होगा नाइट का टाइम में हम लोग इसको एक कहानी सुना देते हैं और सोचते हैं कि आराम से सो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप के अंदर से एनलाइट करने का जरूरत है। हम लोग इंडियंस है और इंडिया इज अ रिच लैंड ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, हम लोग का जितना भी एपिक्स होगा बुक्स होगा कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा, इसीलिए हम लोगों का कहानियां रात में सोने से पहले सुनने वाला कहानियां नहीं है। जब जगा रहते हैं और जब अपने अंदर के जितना भी नॉलेज होगा उसको जगाने का जरूरत होगा उस टाइम पे हम लोगों को ये पढ़ना चाहिए, यानी आप लोगों को पंचतंत्र के बुक कम से कम रोज में एक स्टोरी जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और दूसरों को समझाना भी चाहिए। ये सुनने में बहुत क्यूट और खूबसूरत रहेगा और इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब छुपा रहेगा, जिससे हम लोग पूरा जिंदगी भर कैसे जीना है, अपने अंदर की अच्छाई को कैसे बढ़ाना है, बुराई को कैसे मिटाना है, एक गलत सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, एक सिचुएशन जहां पे हम लोगों को दो चॉइसेस है और उसमें चुनना है तो तब कैसे चुनना चाहिए और किस तरह से हम लोग इस पूरा दुनिया में अच्छी तरह से जीने के लिए जो जो क्वालिटीज हम लोग को चाहिए वो सारा क्वालिटीज इंक्लूडिंग क्लेवरनेस कनिंगनेस हर एक चीज के बारे में इसमें इन डिटेल बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए इसको बेड टाइम स्टोरी जैसा नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग स्टोरी जैसा, एक प्रेयर के जैसा, मेरी मतलब है प्रेयर के जैसा इसको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, इसको समझना भी चाहिए। आजकल हम लोग इतना वेस्टर्नाइज हो गए हैं कि बहुत कोई पंचतंत्र के बारे में जानते तक नहीं है, एज इवन अ बेड टाइम स्टोरी नो वन ट्राइज टू रिमेम्बर पंचतंत्र। अगर किसी बच्चों से भी हम लोग कहानी कुछ पूछेंगे तो तुरंत बारबी का कहानी बता देते हैं, तुरंत कुछ कार्टून नेटवर्क का कहानी बता देते हैं। आजकल का टेक्स्ट बुक्स में जो मॉडर्नाइज्ड वर्शंस ऑफ स्टोरीज जो हम लोगों के पास आ रहा है वही सब हम लोग बताते हैं, लेकिन जो असलियत में हमारा एंशियंट इंडिया ने जो डिजाइन कर दिया है जिसके चलते जिसको समझने के बाद हम लोग इतना कैपेबल बन जाते हैं कि लाइफ में हर एक सिचुएशन को पार करते हुए सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज अगर पेरेंट्स ये हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं या स्टूडेंट्स आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस हॉलीडेज पंचतंत्र बुक के साथ हर रोज कम से कम 15 मिनट टाइम स्पेंड कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के अंदर की पर्सनालिटी बहुत एनहांस हो जाए। होप यू वुड रियली एंजॉय पंचतंत्र इन दिस समर हॉलीडेज। और अभी समर हॉलीडेज है तो डीडी के बायो वर्ल्ड ने समर स्पेशल्स कुछ वीडियोस डिजाइन किए हैं जहां पे हर रोज आप लोगों के पास कुछ नया इसी तरह का टॉपिक्स लेके हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप लोग बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं प्रेस किए हैं, ताकि आप लोग रोज का जो रेगुलर अपडेट्स होगा रेगुलर डिस्कशंस होगा वो मिस ना हो जाए। और अगर आप लोगों को कुछ स्पेशल डिस्कशंस का जरूरत होगा तो प्लीज हमें कमेंट कर लीजिएगा या मेल कर लीजिएगा। और पेरेंट्स इस समर हॉलीडेज में जरूर आप लोग अपने स्टूडेंट्स या अपने बच्चों के लिए या अपने भाई बहनों के लिए सबको एक पंचतंत्र बुक जरूर गिफ्ट कर लीजिएगा। जैसे हम लोग के घर में महाभारत रहेगा रामायण रहेगा उसी तरह ठीक एक पंचतंत्र बुक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और आप लोगों को एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि हर हफ्ता डीडी के बायोवर्ल्ड वर्ल्ड में एक हेल्दी रेसिपी डलता था हर संडे, पर अब से डीडी के बायोवर्ल्ड से रेसिपीज हट गया है और आप लोगों को रेसिपीज बहुत सारा देखना है एक ही रूफ के अंडर। तो आप लोग प्लीज डीडी के किचन्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर लेंगे। और पूरा समर में आप लोग इसी तरह वीडियोज को देख लीजिएगा और एंटरटेन हो जाइएगा, और साथ ही साथ हम लोग समर हॉलीडेज जरूर मनाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, एंड फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस प्लीज प्रेस बेल आइकॉन। टिल देन एंजॉय विद पंचतंत्र। बाय गाइस।